हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी मैं आया हूँ सरजापुरा में। ये जो पीजी है, ये है ब्लूमिंग नेस्ट, तो ये है जेंट्स पीजी। तो ये है सरजापुरा मेन रोड आगे, तो ये बिल्डिंग के ऑपोजिट में जो है ना विप्रो बिल्डिंग है, आपका विप्रो ऑफिस। इनका जो ये बिल्डिंग है, सेम ऑपोजिट में ये भी बिल्डिंग है। तो चलिए अंदर जाते और देखते रूम कैसा है, क्या क्या एमिनिटीज़ है। तो अभी अंदर जा रहे हैं। बायोमेट्रिक है यहाँ पर, तो जैसे अंदर आते हैं लेफ्ट। अभी यहाँ पर क्लीनिंग चल रहा है, एवरीडे यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं ये लोग सुबह। तो अभी हम लोग टेरेस जा रहे हैं। कौन सा सर? वो अच्छा, ग्लास वाला आगे जो लास्ट वाला बिल्डिंग है ना, मैं बोल रहा था वही है विप्रो बिल्डिंग। तो यहाँ से ना वॉकेबल डिस्टेंस है, मैक्स टू मैक्स लाइक 10 मिनट्स लगेगा। 400 मीटर्स है। 400 मीटर्स है, ओके। ये हीट पंप है, 24 आवर्स हॉट वाटर प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर है हीट पंप, ये 24 आवर्स हॉट वाटर आपको मिलेगा और दो वॉशिंग मशीन दिया रहेगा। ये क्या है सर? थ्री शेयरिंग रूम। थ्री शेयरिंग? हाँ भैया। सो ये है थ्री शेयरिंग। तो इसका रेंट कितना आता है सर? इसका 7000 आएगा, इंक्लूडिंग 3 times फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। ओके। अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम, इंडिविजुअल कबोर्ड से, सबका इंडिविजुअल रहता है, सेपरेट लॉक रहता है, सबका इंडिविजुअल सॉकेट रहता है। कहीं नहीं मिलेगा, हमारा पीजी हमारा ओन बिल्डिंग है ना, इसलिए मैं सबके लिए सबका सेपरेट सॉकेट रखा हूँ। तो चलिए अभी जा रहे हैं टू शेयर। वो ग्लास वाला बिल्डिंग है ना, वही विप्रो है। अच्छा, ये ग्लास वाला। हाँ, ओके सर, वही विप्रो है। जस्ट यहाँ से आप 400 मीटर्स है। तो बालकनी का दिखाता हूँ, उसका बाद बालकनी का। तो ये जो है, ये टू शेयर है। ये आपका बेड, यहाँ पर और एक बेड, कबर्ड, अटैच बाथरूम। पूरा घर जैसा फीलिंग आएगा आपको। टेबल चेयर सब हमें प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, इसका भी सेपरेट सॉकेट्स रहेगा सबका। हाँ, 5G नेटवर्क रहेगा। अच्छा, वेंटिलेशन मेन इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन आ रहा रूम के लिए अच्छा बढ़िया रहेगा। यस सर, दूसरा पीजी जैसा कंजेस्टेड नहीं रहेगा। नहीं तो सफोकेटेड रहता है। चलिए सर, तो अभी जो जा रहे हैं उसमें क्या है सर? उसमें बालकनी भी है या टू शेयरिंग का ही? अच्छा, तो ये जो है, ये है टू शेयरिंग विद बालकनी। जो मैं बता रहा था, ये बिल्डिंग भी है सरकारी बिल्डिंग भी है। और यहाँ से आपको सरजापुरा मेन रोड मिल जाएगा, ये रास्ता सीधा जाने से। तो सर इसका रेंट क्या है? इसका 9000 रुपीज़। 9000 इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग। सो ये जो है ना, ये है थ्री शेयरिंग। तो इसमें आपको 3 बेड रहेगा, कबोर्ड, इंडिविजुअल कबोर्ड रहेगा, इंडिविजुअल कबोर्ड रहेगा, अटैच बाथरूम है विथ टीवी, अटैच बाथरूम। और ये बेल्कनी। तो पार्किंग आप यहाँ पर बाइक पार्क कर सकते हैं। वो भी पार्किंग के लिए सर का जो है ना, ये आगे वाला, ये सब हमारा है। यहाँ पर आप कार पार्क कर सकते हैं, क्योंकि सर का दो ही बिल्डिंग सर का ही है, ये और ये। तो पार्किंग का आपका बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। बाइक पार्क यहाँ पर किया। तो चलिए अभी ये वाला बिल्डिंग का देख लेते हैं सर। ये बाइक वाला, बाइक पार्किंग है ये ना, डाइनिंग वाला ये। अच्छा, ये डाइनिंग, ये आपका डाइनिंग एरिया। ये जो है, ये है कॉमन किचन। कोई अगर सेल्फ कुक करना चाहे तो फैसिलिटीज़ है, से बर्तन है, इंडक्शन स्टोव है, गैस है, सब कुछ फुल फ्री। हाँ, कोई अगर खाना चाहता है तो आराम से बना के सक सकते हैं। इंडक्शन भी है, गैस भी है, फ्रिज भी है, फ्रिज भी है, बालकनी भी है,
बालकनी है, ये कार पार्किंग है। ये जो है ये थ्री शेयरिंग, तो जैसे आते हो ये हॉल मिल जाता है आपको विथ सोफा, बहुत स्पेसियस है ये वाला। ये बाथरूम है, अच्छा ये आपका वॉशरूम, तो बड़ा बाथरूम है, वॉशिंग मशीन भी है, वॉशिंग मशीन है, बाथरूम भी है। और ये है रूम, तो इसमें थ्री शेयरिंग है तो तीन बेड दिया रहेगा। सनलाइट हमारा सारे रूम में सनलाइट एकदम बढ़िया रहेगा भाई, दो दो विंडोज है। यस सर, इसलिए इतना ऐसा विंडो सनलाइट मिलना बहुत मुश्किल है, कम बिल्डिंग में मिलता है, हमारे कॉर्नर बिल्डिंग है ना। हाँ, सबका अलग अलग सेपरेट कीस रहता है। अच्छा, और स्टडी टेबल भी दिया रहेगा। तो सर ये जो रूम देखा है इसका रेंट क्या है सर? इसका 7000 है। 7000, हाँ। तो ये जो है ना ये है सिंगल रूम, ये सिंगल बेड रहेगा और आपको कबर्ड रहेगा, बहुत सारा स्पेस रहेगा, बालकनी भी रहेगा, अटैच बालकनी। ये पार्किंग, तो ये है आपका थ्री शेयरिंग, इसमें भी तीन बेड रहेगा, एक अटैच बाथरूम, अटैच बालकनी, अटैच बालकनी। पूरा वॉल जो है ये पूरा वार्डरोब भी बनाया हुआ है, तो बहुत सारा स्पेस रहेगा सामान रखने के लिए। अभी वॉशिंग मशीन पे भी गया था, और ये विप्रो वही है, वो ग्लास बिल्डिंग दिख रहा है ना, वही विप्रो, विप्रो बिल्डिंग है ये ग्लास वाला। तो चलिए अभी सर से बात कर लेते। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया सर, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो मैंने ना ये पूरा वीडियो ले लिया आपका, उस बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का। ओके, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट द लाइक प्रॉपर्टी, लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ है, रेंट क्या है, डिपॉजिट क्या है। ओके, एक्चुअली इट्स माई ओन प्रॉपर्टी, हम ही वो कुछ चला रहे हैं। ओके सर, दो बिल्डिंग भी, एक्चुअली दूसरा जगह से हमारा मिनिमम 1000-1500 रुपीज़ का रेंट भी कम रहेगा। अच्छा, फिर स्पेशलिटी ईच एंड एवरी डे क्लीनिंग रहता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप, लिफ्ट, वॉशिंग मशीन, किचन, पार्किंग, कार पार्किंग, एवरीथिंग इज देयर। मेन थिंग हमारा फूड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, मैं नहीं बोलता हूँ, हमारा व्यूवरशिप है ना, गूगल ऐप में भी मिलेगा आपको। अच्छा, गूगल मैप में मिलेगा, ब्लूमिंग नेस्ट पीजी परजेंट्स बोल के, उसमें आपको मिल सकता है। हमारा लड़कों से पूछे वो बताएगा। एक्चुअली 10-15 किलोमीटर से फूड के लिए यहाँ आता है। अच्छा, क्या ना, मैं समझता हूँ उनका परेशानी क्या है, बहुत दूर से आता है, फूड हाइजेनिक फूड और क्वालिटी फूड मिलना ही बहुत मुश्किल है आजकल पीजी में। यस सर, मैं क्या एक्चुअली क्या ना, बिजनेस पर्पज से ज़्यादा सर्विस पर्पज अच्छा मानता हूँ मैं। हाँ, सबको अच्छा कम प्राइस में अच्छा सर्विस देने का मेरा मन है, इसलिए मैक्सिमम मेरा हाथ में कितना कोशिश हो सकते हैं उतना करता हूँ। मसाला लेके सब कुछ हम होम मेड ही बनाता हूँ। अच्छा, नो अदर अल्टरनेट कलर्स और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं डाल सकती हूँ। क्या ना, हमारा पीजी में जो खाना खाता है आज तक एक भी पर्सन का हेल्थ खराब नहीं हुआ है। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस देता हूँ मैं, और हाइजेनिक का हेल्थ बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक्चुअली आपको दूसरा जगह में चाहे तो फूड शेयरिंग मिनिमम 11000-12000 लेता है, मगर मैं ये बिल्डिंग में हाँ वो 2BHK हॉल की जो प्लाट सिस्टम है ये, इसमें 10000 टू शेयरिंग का लेता हूँ। अच्छा, और रूम सिस्टम में 9000 लेता हूँ मैं। अच्छा, 9000 में टू शेयरिंग कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इतना स्पेशलिटी देने का बात भी, और बहुत स्पेसियस भी है। हाँ, मेन वेंटिलेशन बहुत सारा, पीजी सब देख लीजिए, सब कुछ बहुत कंजेस्टेड है, जेल जैसा रहता है, जेल में रहता हूँ ऐसा फील होता है। यस सर, हमारा बिल्डिंग में पीजी में रहता है फील नहीं, एक्चुअली होम में रहता है ऐसा फील होता है। ये बहुत ये पर्क है दूसरा हमारा। यस सर, और ये लोकेशन भी एकदम बढ़िया है, साइलेंट रहेगा, पोल्यूशन नहीं, साउंड पोल्यूशन नहीं, एकदम रात 2 बजे आने दो, फुल सिक्योरिटी रहता है। अच्छा, किसी तरह प्रॉब्लम नहीं आज तक, एक छोटा भी चोरी नहीं हुआ। सो
सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा लोकेशन है। ये जो स्ट्रेट है वही है सर मेन रोड सरजापुर, वहाँ से 100 मीटर्स सरजापुर रोड। राइट सर, ओके। और सर डिपॉजिट क्या है इसका? डिपॉजिट अभी 3000 रुपीज़ डिपॉजिट लेता हूँ, इसमें 1500 रुपीज़ रिफंडेबल भी है। अच्छा, दूसरा पीजी में 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा, मगर मेरा पीजी में जस्ट 3 डेज में ही मांगता हूँ बस, क्या ना मेरा डिमांड ज़्यादा रहता है। अभी एक बेड भी खाली नहीं है मेरा, खाली नहीं है, मैंने देखा 110 बेड से एक बेड भी खाली नहीं है। खाली होने से पहले ही बुक हो जाता है, उनका दोस्त उनका रिलेशन वही किसी का बुला के ले आता है। अच्छा, सो एक बेड मिलना है 15 दिन पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा होता है। ओके, और लास्ट थिंग सर, कोई अगर बाहर से आता है, ओके, कोई रहता है उसका दोस्त कोई बाहर से आता है तो वो लोग रह सकता है 1-2 दिन? नहीं भाई, ऐसा अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी वाइज मैं किसी का आउटर्स को अलाउड नहीं करता हूँ। अच्छा, भाई आए तो नीचे बैठ के बात करके जा सकता है। अच्छा, मगर भाई ऐसा रहना चाहे तो मुझे परमिशन लेके, बेड खाली हुआ तो मैं परमिशन देता हूँ, मगर हमारा बेड खाली नहीं रहता हमारा। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बेड फिल्ली रहता है, क्या ना बहुत लोग आता रहते जाता रहते, सबका मैं परमिशन दिया तो यस सर, उनका सिक्योरिटी वाइज प्रॉब्लम होता है, वो लैपटॉप्स मोबाइल्स एंड ऑल अवेलेबल थिंग्स सब कुछ रहता है। ट्रू सर, कुछ प्रॉब्लम हो तो कौन, मैं हम ही रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यस सर, सारा बिल्डिंग में कम से कम 15 CCTV कैमरास है। अच्छा, फुल 1-1 इंच का भी पता चलेगा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए इन सच केस ना कोई किसी का पेरेंट्स आ गया 2 दिन के लिए, ओके, नहीं भाई मैं एक्चुअली उनका चाहे तो कहीं एक रूम सेपरेट में दे सकती हूँ। अच्छा, दे सकती हूँ, मगर ये बिल्डिंग में रूम में उनका परमिशन है। अच्छा, अडिशनली सेपरेट जगह में दे सकती हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच।